यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबों को जय सो क्रिस्त में। प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत है। मातृधाम सत्संग में आप सभी लोग जुड़ जाते हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप सभी रोजाना इस कार्यक्रम को देखते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रभु के करीब आते हैं। तो आइए मैं फिर एक बार आप सभी का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। इस सत्संग में आप सभी का फिर एक बार मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम बढ़ते वचन में स्तोत्र ग्रंथ 47 पद संख्या 2, समस्त राष्ट्रों तालियां बजाओ और उल्लसित होकर ईश्वर का जय जयकार करो, क्योंकि वह प्रभु सर्वोच्च है और आराध्य है। मैं दोहराता हूं, समस्त राष्ट्रों तालियां बजाओ और उल्लसित होकर ईश्वर का जय जयकार करो, क्योंकि वह प्रभु सर्वोच्च है, आराध्य है। आप जानते हैं कि हमारा प्रभु महान है, भला है, स्तुति की योग्य है, महिमा की योग्य है। आओ सब हम उसकी महिमा गाएं, गुणगान गाएं, क्योंकि स्तोत्र ग्रंथ फिर एक बार कहता है 96 पद संख्या 7-8 तक, पृथ्वी के सभी राष्ट्रों प्रभु की महिमा और सामर्थ्य का बखान करो, उसके नाम की महिमा का गीत गाओ, चढ़ावा लेकर उसके प्रांगण में प्रवेश करो। आओ प्यारे दोस्तों, मित्रों, प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी दिल को खोलकर, मन को खोलकर, एक मन से, एक तन से हम प्रभु की स्तुति करें, प्रशंसा करें। आओ दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाते हुए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। मेरे पीछे दोहराओ, समस्त राष्ट्रों, समस्त राष्ट्रों, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, और उल्लसित होकर, और उल्लसित होकर ईश्वर का जय जयकार करो, ईश्वर का जय जयकार करो, क्योंकि वह प्रभु है, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, सर्वोच्च है, आराध्य है, आराध्य है। समस्त राष्ट्रों, समस्त राष्ट्रों, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, उल्लसित होकर, उल्लसित होकर जय जयकार करो, जय जयकार करो, क्योंकि वह प्रभु है, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, सर्वोच्च है, आराध्य है, आराध्य है। आओ प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की जय जयकार हो, स्तुति करो। सभी मिलकर प्रभु की जय जयकार करें, महिमा करें। आओ हम गुणगान करें, सर्वोच्च प्रभु को प्रथम स्थान देते हुए उसकी महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया।
उसकी स्तुति करे, प्रभु यीशु की स्तुति करे। आओ हम उसकी स्तुति करे, प्रभु यीशु की स्तुति करे। ओ आओ हम उसकी स्तुति करे, प्रभु यीशु की स्तुति करे। आओ हम उसकी स्तुति करे, प्रभु यीशु की स्तुति करे। दिल मिलाकर करे
आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु पे लगाइए। ये पवित्र समय है, प्रभु की कृपा का समय है, पवित्र आत्मा का समय है, पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। अपनी आंखें बंद रखिए, सारी व्यस्तताओं को दूर कीजिए, अपने काम काज को दूर कीजिए और पूरी तरह से प्रभु में एकाग्र हो जाइए। इस एक डेढ़ घंटे में प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद देना चाहते हैं। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु दयालु है, करुणामय है, हमारे पापों को नजरअंदाज करने वाला प्रभु, हमारे पापों के बावजूद हमें प्यार करने वाला प्रभु, उस महान प्रभु के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए। प्रभु कहते हैं कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ, यदि कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा, मेरी आवाज़ सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ है। कितनी सुंदर प्रतिज्ञा है, हमारे प्रभु सदा तैयार हैं। हमें दरवाजा खोलना है, द्वार खोलना है। द्वार खोलिए, हृदय के द्वार को खोलिए। समय प्रभु को आपके जीवन में इस समय कार्य करने दीजिए। विश्वास कीजिए कि इस समय प्रभु आपके करीब हैं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में परिवर्तन लाने जा रहा है। पेंतेकोस्त के दिन शिष्यों पर आग के जीवों के रूप में उतर आने वाला पवित्र आत्मा, कपोत के रूप में प्रभु यीशु के ऊपर उतर आने वाला पवित्र आत्मा, इस सारी सृष्टि के ऊपर मंडराने वाला पवित्र आत्मा, उस पवित्र आत्मा को इस समय आपके ऊपर मंडराने दीजिए। पवित्र आत्मा की छाया महसूस कीजिए इस समय। गॉड लव्स यू माय ब्रदर, प्रभु आपको प्यार करते हैं, आपकी हर प्रकार की दुविधाओं को प्रभु जानते हैं, आपकी पीड़ाओं को प्रभु जानते हैं, आपको स्वतंत्र करना चाहते हैं, लेकिन आज़ादी का इस्तेमाल कीजिए, विश्वास का इस्तेमाल कीजिए। अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलिए, बोलिए प्रभु मैं अपने जीवन की एक एक बात को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ, मेरी पीड़ाओं को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ, मेरे परिवार को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ, मेरी परिस्थितियों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। तब मैं विश्वास करता हूँ कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे यीशु, तूने कहा है थके मांदे और बोझ से दबे लोगों तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं जीवन में थक चुका हूँ, बोझ से दबा हुआ हूँ, मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूँ। मैं तेरे पास विश्वास के साथ आया हूँ यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुझे विश्राम देगा, तू मुझे शांति देगा, तू मेरी परिस्थितियों को बदलेगा। यीशु के करीब आइए ये समय। इस सत्संग में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। लेट द लॉर्ड वर्क इन यू राइट नाउ। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। अपने हृदय को खोलिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए, मेरी परिस्थिति में आइए, और इस समय जहां मैं बैठा हूं यहां पर आइए, मुझे अपने अधिकार में लीजिए। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। मेरे भाई बहन के साथ मिलकर इस समय पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए गीत गाएंगे। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है, आत्मा को कार्य करने दीजिए। धन्यवाद ये पवित्र आत्मा। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। मैं आ तू पावन आत्मा मुझ में।
शक्ति दे दो पावन आत्मा 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 शक्ति दे दो अपनी आंखें खोलिए। सबको जय सु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सत्संग का समय पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता का समय है। आप अपने हृदय को पवित्र आत्मा के लिए खोलेंगे तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करने लगेगा। प्रभु यीशु ने कहा यौहन के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 40 में, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। प्रभु के चमत्कारों को देखने के लिए हमें विश्वास की आंखों को खोलने की ज़रूरत है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस समय विश्वास की आंखों को खोलिए। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, पक्का विश्वास कीजिए। इस समय धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस कार्यक्रम के जरिए और अन्य कार्यक्रमों के जरिए कई लोगों के जीवन में कई प्रकार की कृपाएं बरस रही हैं, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक भाई ने बहुत सुंदर एक साक्ष्य भेजा है, काफ़ी लंबा साक्ष्य है,
सुंदरगढ़ से, उनका नाम है अनिल करकेटा। अनिल करकेटा जिला सांस्कृतिक विभाग के अधिकारी हैं और उन्होंने कहा है कि मैं 19 साल की उम्र से नशे का शिकार था और बाद में पढ़ाई करने के लिए घर से 500 किलोमीटर दूर रहा, उस समय और ज़्यादा नशे के वश में आ गया। जब वापस आया तो नशा खाने पीने में लग गया था, नौकरी नहीं ढूंढा। हालांकि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैंने नौकरी नहीं ढूंढा बल्कि मैं नशे में लिप्त था। इतने में मेरे एक प्रिय टीचर ने मुझे एक तरह से कन्विंस किया कि तुम मातृधाम आश्रम चले जाना और वहाँ पर प्रार्थना में बिताना। अपने दोस्तों के साथ 2011 में मई महीने में 4 दोस्तों के साथ आश्रम आए, लेकिन आते समय अपने साथ नशीले पदार्थ भी लेके आए थे, ये सोचकर कि यहाँ रहेंगे और इसका सेवन भी करेंगे। 3 दिन की प्रार्थना के बाद उन्होंने उन सारी चीज़ों को गेट से बाहर फेंक दिया। उसके बाद 10 दिन प्रार्थना में बिताए। 10 दिन की प्रार्थना के बाद पूरी तरह से परिवर्तित होकर वापस गए और उन्होंने लिखा है कि घर जाने के बाद वह नौकरी के लिए, बैंक और इत्यादि नौकरी के लिए लिखने लगे, इंटरव्यू देने के लिए प्रयास करते रहे और उनके सामने 2 सरकारी नौकरियों की का बुलावा आया, उसमें से एक उन्होंने चुन लिया और प्रभु की कृपा बनी रही। लेकिन जब जीवन में पैसा आया, जेब में पैसा आया, तो धीरे से फिर नशे की ओर उन्मुख हो गया, फिर नशा खाना पीना, ज़िंदगी बर्बाद करता गया इस कदर कि उनका शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो गया, बीमार पड़ गए, लाखों रुपए उसके लिए खर्च किए। ऐसी परिस्थिति में उनको फिर एक बार प्रभु यीशु याद आए और उन्होंने अच्छा पाप स्वीकार किया, उस समय से बाइबल पढ़ना शुरू किया और उनका जीवन परिवर्तित होता गया, एक अच्छा जीवन जीने लगे, ईमानदारी का जीवन जीने लगे। घूस लेने का बहुत सारा मौका आता था लेकिन नहीं लेते थे और बाद में कुछ दिनों पहले से वह हमारे सारे कार्यक्रमों में सहभागी होते हैं, रोज़ की रोटी और विशेष करके मातृधाम सत्संग में सहभागी होते हैं। और उन्होंने लिखा है कि मेरे कारण बहुत सारे मेरे मित्रों की ज़िंदगियां बदल गई हैं। वे कहते हैं कि अगर अनिल बदल सकता है तो हम क्यों नहीं बदल सकते हैं, उन्होंने भी नशा छोड़ दिया है। कितना सुंदर साक्ष्य है, एक व्यक्ति के परिवर्तन के द्वारा कितने लोगों का परिवर्तन होता है। और प्रभु ने जिसको पकड़ा है, प्रभु उसको छोड़ता नहीं है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक बहन है जिसका नाम है रीता दादल, रांची से लिखा है, हम आपके सारे कार्यक्रमों में सहभागी होते हैं और हमारे परिवार में ढेर सारी आशीषें आई हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। दुबई से एक भाई ईपन शिजू ने लिखा है कि उनकी मामी गंभीर रूप से बीमार थी, उनको एक ही दिन में 3 बार हृदय का अटैक आया था और वो गंभीर रूप से बीमार थी, क्रिटिकल थी, अस्पताल में भर्ती थी और उन्होंने अपनी मामी को कृपा धारा के दौरान प्रभु को समर्पित किया। मामी पूरी तरह से चंगी हो गई और घर वापस गई हैं, अच्छी तरह जी रही हैं। बहुत सारे साक्ष्य में मिले हैं जहाँ पर चंगाई और विशेष करके परिवार में आशीष का साक्ष्य है। कुछ साक्ष्य मैं पढ़ नहीं पाता हूँ क्योंकि उनका नाम नहीं बताया गया है, इसीलिए जब भी आप साक्ष्य लिखेंगे कृपया अपना नाम भी लिखेंगे कि मेरा नाम यह है, मैं यहाँ के रहने वाला हूँ या वाली हूँ। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस कार्यक्रम के लिए और इस तरह के अन्य बहुत सारे कार्यक्रमों के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु के बड़े बड़े अनुग्रहों के लिए, मेरे बड़े बड़ी कृपाओं के लिए हमें बड़े बड़े कार्य करने होते हैं, लेकिन आज स्तोत्रकार हमें बताता है स्तोत्र 34 में कैसे हम प्रभु की कृपाओं को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कैसे हमें भरपूर जीवन मिल सकता है, कैसे हमें शांति मिल सकती है, इसके बारे में स्तोत्र 34 के वाक्य 13 और 14 में स्तोत्रकार हमें एक बहुत सुंदर सूत्र, एक सुंदर मंत्र बताते हैं और वो यह है, वचन कहता है, तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है, तो तुम न अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और न अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। ध्यान से सुनिएगा, स्तोत्रकार कहता है, प्रभु कहते हैं, वचन कहता है, तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है, तो तुम न अपनी जीभ को बुराई बोलने दो
और न अपने होंठों को कपटपूर्ण बातें। प्रभु का वचन कहता है अगर तुम भरपूर जीवन जीना चाहते हो, तुम लंबी आयु चाहते हो, तुम सुख शांति चाहते हो, तो तुम ना तो अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और ना अपने होंठों को कपटपूर्ण बातें। जीभ के द्वारा हम प्रभु का अनुग्रह भी प्राप्त कर सकते हैं और प्रभु का अनुग्रह गंवा भी सकते हैं। तो जीभ कितना महत्वपूर्ण है, आज हम इस पर मनन चिंतन करेंगे। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में बहुत से दृष्टांत पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य के बारे में कई दृष्टांत सुनाते हैं। एक दृष्टांत है बीज बोने वाले का दृष्टांत, जिसका अर्थ प्रभु समझाते हैं, और प्रभु बोने वाला कौन है? प्रभु यीशु है। दूसरा दृष्टांत है जंगली बीज का दृष्टांत, वहां पर वाक्य 37 में प्रभु कहते हैं, मत्ती अध्याय 13 वाक्य 37 में प्रभु कहते हैं, मानव पुत्र अच्छा बीज बोता है, मानव पुत्र अच्छा बीज बोता है। प्रभु यीशु इस संसार में सुसमाचार रूपी बीज बोने के लिए आए, ईश्वर के वचन रूपी बीज बोने के लिए आए, और उन्होंने यही किया। अब सवाल ही खड़ा होता है, मैं कैसा बीज बोता हूं? हम अक्सर सोचा करते हैं प्रभु के बड़े बड़े अनुग्रहों को प्राप्त करने के लिए हमें बड़े बड़े कार्य करने होते हैं, बड़ी बड़ी धार्मिक क्रियाएं करनी होती हैं। लेकिन पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि हम छोटी छोटी बातों के द्वारा ईश्वर के अनुग्रहों को प्राप्त कर सकते हैं। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 34 में उसके वाक्य 13 और 14 में, ध्यान से सुनिएगा, तुम में कौन भरपूर जीवन लंबी आयु और सुख शांति चाहता है, तो तुम ना अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और ना अपने होंठों को कपटपूर्ण बातें। एक बार और पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए, तुम में कौन भरपूर जीवन लंबी आयु और सुख शांति चाहता है, तो तुम ना अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और ना अपने होंठों को कपटपूर्ण बातें। प्रभु का वचन कहता है क्या तुम भरपूर जीवन चाहते हो? क्या तुम लंबी आयु चाहते हो? क्या तुम सुख शांति चाहते हो? तो अपनी जीभ को बुराई बोलने से रोको। इस जीभ के द्वारा हम प्रभु की आशीषें प्राप्त कर सकते हैं और इस जीभ के द्वारा हम प्रभु की आशीषों को गंवा भी सकते हैं। इसलिए इस जीभ के बारे में, उसके नियंत्रण के बारे में आज हम वचन सुनेंगे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में प्रभु यीशु कई दृष्टांत सुनाते हैं ईश्वर के राज के बारे में। एक दृष्टांत है बीज बोने वाले का दृष्टांत, वहां पर बीज बोने के लिए एक बोने वाला निकलता है और अंत में प्रभु कहते हैं बोने वाला मानव पुत्र है और बीज ईश्वर का वचन है। उसी अध्याय में उसके वाक्य 37 में पढ़ते हैं जंगली बीज के दृष्टांत के दौरान प्रभु कहते हैं मानव पुत्र अच्छा बीज बोता है, मानव पुत्र अच्छा बीज बोता है। प्रभु यीशु अच्छे बीज बोने के लिए संसार में आए, ईश्वर का वचन बोने के लिए आए, सांत्वना भरे वचन सुनाने के लिए आए, ईश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए आए, ईश्वर के रहस्यों को हमारे सामने प्रकट करने के लिए आए। प्रभु यीशु कहते हैं मानव पुत्र अच्छा बीज बोता है। अब ये सवाल खड़ा होगा, मैं कौन सा बीज बोता हूं? मैं कैसा बीज बोता हूं? हमारे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द एक बीज की तरह है। मैं कैसा बीज बोता हूं? और वो बीज अंकुरित हो जाएगा और उसमें से फसल आएगी। इस बात का ख्याल करना मेरे भाई और बहनों, हम जो बोएंगे उसी को हम काटेंगे, हम जो बीज बोएंगे उसी को हम काटेंगे। मैंने कई ऐसे भाई बहनों को देखा है जो अपने जीवन के अंतिम पलों में बहुत नारकीय जीवन जीते हैं, लोगों के द्वारा तिरस्कृत जीवन जीते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीभ से बुराई के बीज बोए हैं। जो बुराई का बीज बोएगा वो बुराई की फसल काटेगा, जो अश्लीलता का बीज बोएगा वो अश्लीलता की फसल काटेगा,
जो सांत्वना का बीज बोएगा सांत्वना का फसल की फसल काटेगा, हम जो बोएंगे उसी को हम काटेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसलिए हमें इस बात का ख्याल करना है कि मैं क्या बोलता हूँ, मेरी जीभ को मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ। बाइबल में बहुत सारे ऐसे वचन हैं जिन वचनों ने मेरे जीवन को मोड़ा है, बदला है। उनमें से एक वचन है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 उसके वाक्य 36 और 37। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 36 और 37 में प्रभु कहते हैं, न्याय के दिन हर मनुष्य को अपने हर निकम्मी बात के लिए हिसाब देना पड़ेगा। न्याय के दिन हर मनुष्य को अपने हर निकम्मी बात के लिए हिसाब देना पड़ेगा। इस वचन ने मेरे जीवन को झकझोर दिया। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत मजाक करता था। कोई भी कोई बात करता था उसमें से कोई मजाक की बात मुझे सूझती थी और मैं बोलता था, लोग उसमें मजा लेते थे। लेकिन इस वचन ने मुझे स्पर्श किया। न्याय के दिन हर एक निकम्मी बात के लिए हमें लेखा देना पड़ेगा, हर अनावश्यक बात के लिए हमें लेखा देना पड़ेगा। जीभ कितना बड़ा वरदान है, बोलने की शक्ति ईश्वर की ओर से कितना बड़ा वरदान है, और ये वरदान देने वाला हमसे जरूर हिसाब लेगा। वाक्य 37 में आप पढ़ेंगे, तुम्हारे वचनों के द्वारा तुम दोषी या निर्दोष प्रमाणित किए जाओगे। हम में से हर एक को हमारे एक एक वचन के लिए हमें हिसाब देना होगा। प्रवक्ता ग्रंथ, एक बहुत सुंदर वचन है, प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 5 वाक्य 15 में, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 15 में लिखा हुआ है, बोलने से सम्मान और अपमान दोनों मिलते हैं, बोलने से सम्मान और अपमान दोनों मिलते हैं, जिह्वा मनुष्य के पतन का कारण बनती है। हमारी बोली के द्वारा हम दूसरों का सम्मान अर्जित कर सकते हैं, हमारी बोली के द्वारा हम दूसरों का अपमान भी अर्जित कर सकते हैं, जीवन और मृत्यु दोनों हम अर्जित कर सकते हैं। सम्मान हम अर्जित कर सकते हैं या अपमान भी अर्जित कर सकते हैं। सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 3:13 में लिखा हुआ है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 13 में उसके वाक्य 3 में लिखा हुआ है, जो अपनी जीवा पर नियंत्रण रखता वो सुरक्षित है। देखिए कितनी जबरदस्त वाणी है, जो अपने जीवा पर नियंत्रण रखता वो सुरक्षित है, किंतु जो व्यर्थ की बातें करता वो नष्ट हो जाता है। कहा जाता है कि हम लोग जो बातचीत करते हैं इसमें से करीब 60% व्यर्थ है। व्यर्थ की बातें, बेकार की बातें बोलते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, अनावश्यक बातें बोलते हैं। मैं तो कहूंगा 80% बातें जो हम करते हैं वह व्यर्थ की बातें हैं। इतना ही नहीं, जब हम बातचीत करने लगते हैं, कुछ लोगों में आदत है लंबी देर तक बात करते रहना। आप इस बात का ख्याल कीजिए, जब आप बात करने लगते हैं कुछ समय तक अच्छी बातें होती हैं, उसके बाद बुराई की बातें आ जाती हैं, इसकी बातें उसकी बातें बुराई की बातें आ जाती हैं, और अपनी ही जीभ के द्वारा आप पाप में फंस जाते हैं। वचन कहता है जो अपनी जीवा पर नियंत्रण रखता है वो सुरक्षित है, किंतु जो व्यर्थ की बातें करता वो नष्ट हो जाता है। जीभ के नियंत्रण के बारे में और उसकी आवश्यकता के बारे में संत याकूब अपने पत्र में बहुत सुंदर ढंग से हमें समझाते हैं। करीब करीब पूरा अध्याय याकूब का पत्र अध्याय 3 में वो जीभ के सही इस्तेमाल के बारे में बताते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ वाक्य 2 से, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो कभी गलत बात नहीं कहता वह पहुँचा हुआ मनुष्य है। और वह अपने पूर्ण शरीर को नियंत्रण में रख सकता है। जो अपने जुबान को नियंत्रण में रख पाता है वो अपने पूरे शरीर को नियंत्रण में रख सकता है और वो पहुंचा हुआ मनुष्य है। आगे देखिए वाक्य 3 से, यदि हम घोड़ों को वश में रखने के लिए उनके मुंह में लगाम लगाते हैं तो उनके सारे शरीर को इधर उधर घुमा सकते हैं। घोड़ों को हम लगाम लगाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको सही दिशा में ले जाते हैं। अगला उदाहरण लीजिए, जहाज का उदाहरण लीजिए, वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो
और तेज हवा से भले ही बहाया जा रहा हूं, तब भी वह कर्णधार की इच्छा के अनुसार एक छोटी सी पतवार से चलाया जाता है। देखिए, पुराने जमाने में जहाज पतवार से चलाया जाता था, एक छोटी सी पतवार से। उसी तरह हमारी जीभ है, ये जीभ हमें नियंत्रित करता है। आगे लिखा हुआ है, इसी प्रकार जीभ शरीर का एक छोटा सा अंग है, किंतु वो शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है। आगे देखिए, देखिए एक छोटी सी चिंगारी कितने विशाल वन में आग लगा सकती है, एक छोटी सी चिंगारी कितने विशाल वन में आग लगा सकती है। जीभ भी एक आग है जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराई का स्रोत है। एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है, भस्म कर सकती है। गर्मी के मौसम में हम कई जगहों पर पढ़ते हैं, कई कई विदेशों में एक एक पूरा जंगल जल जाता है। कितना बड़ा नुकसान होता है, कोई छोटी सी चिंगारी से शुरू होता है। हमारी जुबान भी कुछ इसी तरह है। मैंने देखा कितने परिवार बर्बाद हो जाते हैं लोगों के गलत बातचीत के द्वारा। किसी के बारे में बोल दिए, फलाना फलाने के साथ दिखाई दिया, फलाने ने फलाने से ऐसी बातें की। किसी मनुष्य से बोलता है कि देखते हो तुम्हारी पत्नी किससे बात करती है, वो किसी से बात कर रही थी, हमने देखा है। छोटी सी बात उस परिवार में शक पैदा करती है और उस परिवार को बर्बाद कर डालती है। हमारी एक बात एक चिंगारी की तरह किसी इंसान को या किसी परिवार को बर्बाद कर सकती है, कितनी खतरनाक है। आगे लिखा हुआ है, हर प्रकार के पशु और पक्षी, रेंगने वाले जलचर जीव जंतु, सबके सब मानव जाति द्वारा वश में किए जा सकते हैं या वश में किए जा चुके हैं, किंतु कोई मनुष्य अपने जीभ को वश में नहीं कर पाता है। आगे वाक्य 9 में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर वचन है, ध्यान से सुनिएगा। हम उससे यानी जीभ से अपने प्रभु एवं पिता की स्तुति करते हैं और उसी से मनुष्यों को अभिशाप देते हैं, जिन्हें ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया है। एक ही मुख से स्तुति भी निकलती है और अभिशाप भी। मेरे भाइयों, ये उचित नहीं है। याकूब कहते हैं, मैं क्या देखता हूं कि तुम अपने धर्म क्रिया करते हो, प्रार्थना करते हो, उस जुबान से उस जीभ से तुम ईश्वर की स्तुति करते हो, ईश्वर की महिमा करते हो, ईश्वर के वचन को पढ़ते हो, ईश्वर के वचन की व्याख्या करते हो, लेकिन उसी मुख से अभिशाप निकलता है, गाली निकलती है, चोट पहुंचाने वाली बातें निकलती हैं। याकूब कहते हैं ये उचित नहीं है। जिस मुंह से हम परमपिता की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, उस मुंह से बुराई नहीं निकलनी चाहिए। हमें अपनी जुबान को इस्तेमाल करना है, लेकिन सोच समझ कर। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 28 में एक बहुत ज़बरदस्त वचन है, बहुत अच्छा है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 उसके वाक्य 14 में लिखा हुआ है, चिंगारी पर फूंक मारो और वो भड़केगी, उस पर थूक दो और वो बुझेगी, दोनों तुम्हारे मुंह से निकलते हैं। एक बार ध्यान से सुनिए, वचन में लिखा हुआ है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 14, चिंगारी पर फूंक मारो और वो भड़केगी, उस पर थूक दो और वो बुझेगी, दोनों तुम्हारे मुंह से निकलते हैं। एक चिंगारी पर आप फूंक मारिए और वो भड़केगी, जीवंत हो जाएगी, लेकिन उस पर थूक दीजिए वो बुझ जाएगी, दोनों आपके मुंह से निकलती हैं। हम इस जुबान से अपनी वाणी के द्वारा लोगों को जीवन दे सकते हैं या लोगों को मौत भी दे सकते हैं। पत्नी ने खाना पकाया, रोज वही पकाती है, एक दिन रोटी जल गई, हल्के से जल गई, पति चिल्लाने लगा, ये रोटी जल गई है, कौन खाएगा? अरे, हर रोज वही ना पकाती है, रोज तो आके बैठता है, वो पका के लाती है, खिलाती है, आज रोटी जल गई तो इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी? उसका दिल टूट जाएगा। उसके बदले बोल सकते थे, रीटा आज तो रोटी कुछ जल गई है, कोई बात नहीं, दोनों आपके मुंह से निकलता है। एक उसको बुझाने वाली बात, एक उसको उत्साहित करने वाली बात, उसको बदलने वाली बात।
हमारे मुंह से दोनों निकल सकते हैं। एक ऐसी कटु वाणी जिसके द्वारा लोगों को चोट लग सकती है, लोगों की आशा को निराशा में बदल सकती है, लोगों का उत्साह टूट सकता है, या एक ऐसी वाणी जिसके द्वारा लोगों का उत्साह बढ़ सकता है। किसी ने गाना गा दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तुरंत बोल दिया कैसे गाए, प्रोत्साहित कर सकते हैं। और ये आज करोगे ना और अच्छा कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। दोनों आपके मुंह से निकलता है, इसलिए हमें अपनी जुबान को, अपनी जीभ को सही इस्तेमाल करना चाहिए। एफेसियों के पत्र के अध्याय 4:29 में, एफेसी अध्याय 4:29 में संत पौलुस बताते हैं कि हमें कैसे अपनी जुबान को, अपनी जीभ को इस्तेमाल करना चाहिए। वचन में लिखा हुआ है, एफेसी अध्याय 4:29, आपके मुख से कोई अश्लील बात नहीं, बल्कि ऐसे शब्द निकलें जो अवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हो। आपके मुंह से ऐसे शब्द निकलें जो दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हो। दूसरों को तोड़ने वाले, विनाश करने वाली बातें नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण की बातें और दूसरों के निर्माण की बातें। हमें रियाज करने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि हम में से कई लोगों को उठपटांग बोलने की आदत है, कुछ भी बोलने की आदत है, कभी भी बोलने की आदत है, अनावश्यक बातें बोलने की आदत है, कटुवाणी बोलने की आदत है, मन में कुछ बात रखते हुए बोलने की आदत है, गंदी बातें बोलने की आदत है, गाली बोलने की आदत है। हमें इस जुबान को नियंत्रित करने की जरूरत है, कंट्रोल करने की जरूरत है। हमें इस जुबान को कंट्रोल करने की जरूरत है, लेकिन इस बात का भी ख्याल करेंगे। लूकास का सुसमाचार उसके अध्याय 6:45 में प्रभु कहते हैं, जो हृदय में भरा रहता है वही मुंह के द्वारा बाहर आता है। लूकास अध्याय 6:45, जो हृदय में भरा रहता है वही मुंह के द्वारा बाहर आ जाता है। अगर हृदय में कटुता भरी हुई है तो वह मुंह के द्वारा बाहर आ जाएगी। अगर हृदय में अश्लीलता भरी हुई है, हमारे मुंह के द्वारा वो बाहर आ जाएगी। गालियां, गंदगी भरी हुई है, वो उसके द्वारा बाहर आ जाएगी। पाखंड और छल कपट भरा हुआ है, वो उस हमारे मुंह के द्वारा बाहर आ जाएगी। तो हमारे हृदय में जो भरा हुआ है वही मुंह के द्वारा बाहर आ जाएगा। इसलिए हमें अच्छाई बोलनी है। अभी अभी हमने कहा कि निर्माण की बातें बोलनी है, कल्याण की बातें बोलनी है, लेकिन ये तभी संभव है जब हमारा हृदय स्वच्छ है। हमारा हृदय स्वच्छ है, हमें अपने हृदय को स्वच्छ करने की जरूरत है। यानी हमारे मुंह से गंदी बातें निकलती है, इसका मतलब मेरा हृदय स्वच्छ नहीं है। हमारे मुंह से नकारात्मक बातें निकलती है, नेगेटिव चीजें निकलती है, इसका मतलब मेरा हृदय नेगेटिव है। हमारे मुंह से अश्लील बातें निकलती है, इसका मतलब मेरे हृदय में अश्लीलता है। हमारे मुंह से गालियां निकलती हैं, इसका मतलब मेरे हृदय में क्रोध है, कटुता है। तो हमारी वाणी के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि हमारे हृदय में क्या है। हमें हृदय को शुद्ध करने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। आज इस वचन को सुनने के बाद अपना ख्याल करना कि मेरे मुंह से क्या क्या शब्द निकलते हैं, मैं कैसे बात करता हूँ। क्या मेरे मुंह से नकारात्मक बातें निकलती हैं, इसका मतलब मेरे अंदर बहुत नकारात्मकता भरी हुई है। मुझे प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। स्तोत्र 141 में स्तोत्रकार बहुत सुंदर प्रार्थना करता है, बहुत सुंदर है। स्तोत्र 141 वाक्य 3 में स्तोत्रकार एक सुंदर प्रार्थना करता है। देखिए क्या प्रार्थना है, प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा, प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होंठों के द्वार की रखवाली कर। स्तोत्रकार समझता है, अपने आप को पहचानता है कि मैं अपने मुंह को, अपनी जुबान को, अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, मैं इसको नियंत्रित करने में कमजोर हूं। इसीलिए वो प्रभु से कहता है, प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा दो, ताकि कोई गंदगी मेरे मुंह से बाहर ना निकले, कोई बुराई मेरे मुंह से बाहर ना निकले, कोई कटु वाणी मेरे मुंह से बाहर ना निकले। प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होंठों के द्वार की रखवाली कर। बहुत सुंदर प्रार्थना है, हम लोग भी बोल सकते हैं रोज इस प्रार्थना को, बहुत सुंदर प्रार्थना। स्तोत्र 141 उसके वाक्य 3 में
प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होंठों के द्वार की रखवाली कर। सुबह सुबह उठने के बाद हम प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होंठों के द्वार की रखवाली कर। मेरे मुंह से आज कोई कटु वाणी ना निकले, कोई गंदी वाणी ना निकले, कोई तोड़ने वाली बात वाणी ना निकले, निराश करने वाली वाणी ना निकले, बल्कि मेरे मुंह से निर्माण और कल्याण की वाणी निकले। प्रार्थना करेंगे इसके लिए। स्तोत्र 19 के वाक्य 15 में लिखा हुआ है। स्तोत्रकार कितनी सुंदर प्रार्थना बोलता है। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु तू मेरी चट्टान और मुक्तिदाता है, मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। कितनी सुंदर प्रार्थना है। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। यानी मेरे मुंह से कोई ऐसे शब्द ना निकले जो तुझे प्रिय ना हो, मेरे मन में ऐसा कोई विचार ना आवे जो तुझे प्रिय ना हो, मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द और मेरे मन में उठने वाले विचार सब के सब तुझे प्रिय लगे। ऐसे ही शब्द मैं बोलूं, ऐसे विचार मेरे मन में आए। ये हमारे प्रतिदिन की प्रार्थना में हम जोड़ सकते हैं। बार बार बोलना, प्रभु मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। स्तोत्र 15 में स्तोत्रकार कहता है, प्रभु कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर सकेगा। वही जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्कार्य करता है। आगे बोला जाता, आगे स्तोत्रकार कहता है, जो हृदय से सत्य बोलता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता, जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता है, ऐसे लोग तेरे शिविर में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे लोग तेरे पर्वत पर निवास कर सकते हैं जो सत्य बोलते हैं, जो निंदा नहीं करते हैं, जो चुगली नहीं खाते हैं, जो बुराई नहीं बोलते हैं। ऐसे लोग प्रभु के शिविर में प्रवेश कर सकते हैं, ऐसे लोग प्रभु के पर्वत पर निवास कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, स्तोत्रकार ने आज हमारे सामने एक सुंदर मंत्र रखा है। एक सुंदर मंत्र क्या के लिए? ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, भरपूर जीवन पाने के लिए, लंबी उम्र पाने के लिए, सुख शांति पाने के लिए। अपनी जीभ को बुराई बोलने से रोकना, अपनी जीभ से बुराई निकलने नहीं देना। जैसा कि मैंने कहा, हमारे जीवन में, हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम बहुत सारी बातें करते हैं। हमें काटना है, अनावश्यक बातें काटना है। आज मैं किसी से भी बात करने लगता हूँ तो तुरंत मेरे मन में ये विचार उठता है, क्या ये बोलना है कि नहीं बोलना है। अगर हाँ तो मैं बोलता हूँ, ना तो नहीं बोलता हूँ। हम अपने जीभ पर नियंत्रण रखें, प्रभु की आशीष पाएं, भरपूर जीवन पाएं, लंबी उम्र पाएं, शांति पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। तेरे दिव्य वचनों में शक्ति है, सामर्थ्य है, मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु तूने कहा, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध किए गए हो, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध किए गए हो। तेरी वाणी के द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं। तूने अपने पिता से प्रार्थना की, पिता उन्हें सत्य के प्रति समर्पित कर, और तेरी वाणी ही सत्य है। तेरी वाणी हमें शुद्ध करती है, पवित्र करती है। स्तोत्रकार कहता है कि मैंने प्रभु की वाणी को अपने हृदय में संचित रखा, जिससे मैं प्रभु के विरुद्ध पाप ना करूं। प्रभु हमें अपने होंठों को शुद्ध रखने की कृपा दीजिए, हमारे होंठों को शुद्ध रखने की कृपा दीजिए। जिस तरह पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरितों के जीभ पवित्र आत्मा के अधीन हुआ, उसी तरह हमारे जीवों को भी अपने अधीन कर, पवित्र आत्मा के अधीन कर, शुद्ध कर, पवित्र कर। जिस तरह इसयास नबी के ग्रंथ के अध्याय 6 में इसयास नबी ने अनुभव किया, उस सेराफिम ने आकर जलते हुए अंगारे से इसयास के होंठ को स्पर्श किया और वो शुद्ध हो गया। हमारे होंठों को भी शुद्ध कर, पवित्र कर। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई के होंठ को इस समय शुद्ध कर, पवित्र कर।
पवित्र आत्मा की आग से उन्हें स्पर्श कर, इस समय उनके होंठों को शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि उनके होंठों से निर्माण की बातें निकलें, कल्याण की बातें निकलें, अनुग्रह की बातें निकलें, सांत्वना की बातें निकलें, आशीष की बातें निकलें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर प्रभु, आमीन। I'm not afraid.
आइए हम प्रभु की आराधना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभु की आराधना करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। ये पवित्र समय है, आशीष का समय है। प्रभु का सामर्थ्य हमारी ओर बह रहा है। सारे दिल से, सारे हृदय से हम प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। स्वर्ग छोड़कर हमारे पास उतर आने वाले जीवनदायी, जीवनदायक रोटी, वो महान जीवनदाता प्रभु, जो हमारे लिए मरकर हमारे लिए स्वर्ग के द्वार को खोल दिए, उस प्रभु की हम आराधना करेंगे। वो जिंदा है, वो जीवित है। इस समय इस परम प्रसाद के द्वारा आपके पास उनकी उपस्थिति पहुंच रही है। प्रभु की कृपा आपकी ओर पहुंच रही है, आपकी ओर बह रही है। इस समय हृदय को खोलिए, अपने घर के द्वार को खोलिए, अपने परिवार के द्वार को खोलिए। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। इस महान प्रतिज्ञा को आपके जीवन में इस समय पूरा होने दीजिए। सारी व्यस्तताओं को दूर रखना, पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाना, इस प्रार्थना में भाग लेना। देखना नहीं बल्कि भाग लेना। आंखें मंद करके प्रभु की आराधना में लग जाइए। हृदय खोलिए इस समय। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। आपके बंधनों को खोलने दीजिए। आपके पाप के कलंक को मिटाने दीजिए। आपके हर प्रकार के रोग के कीटाणु को नष्ट करने दीजिए। प्रभु यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए। इन पवित्र क्षणों में प्रभु के साथ जुड़े रहना। यीशु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। The Lord wants to work miracles and wonders in your life. आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। समर्पित हो जाइए पूरी तरह से। प्रभु की आराधना में लग जाइए। अपने मन और हृदय को प्रभु के उठाइए इस समय। जिस तरह स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की उठा रहा हूँ, उठाता हूँ, उसी तरह इस समय अपने हृदय और मन को प्रभु के उठाइए। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। ऐसे विश्वास के साथ इस समय प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा। उसने झुक कर मेरी पुकार सुने। उसने मुझे विनाश के गर्त से, दलदल के कीच से निकाल लिया। उसने मेरे पैर चट्टान पर टिका कर मुझे दृढ़ कदमों से आगे बढ़ने दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने मेरे मुख में एक नया गीत, उसने मेरे मुख में एक नया गीत हमारे ईश्वर का गुणगान रखा। बहुत से लोग यह देख कर प्रभु पर श्रद्धा और भरोसा रखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य है वो मनुष्य जिसने प्रभु का भरोसा किया। धन्य है वो मनुष्य जिसने प्रभु पर भरोसा किया और घमंडियों तथा मिथ्यावादियों का साथ नहीं दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तू मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगा, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगा। तेरी सत्य प्रतिज्ञता और तेरा सत्य मेरी रक्षा करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो तेरी खोज में लगे हैं, जो तेरी खोज में लगे हैं, वे सभी उल्लास के साथ आनंद मनाए। जो तेरे द्वारा मुक्ति चाहते हैं, वे निरंतर वे कहते रहे, प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु महान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा। उसने झुक कर मेरी पुकार सुनी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया।
अपनी आंखों को खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसयास नबी के ग्रंथ के अध्याय 35 में हमें एक बहुत सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है। वहां पर आगामी प्रभु की कृपापूर्ण समय के बारे में बताते हुए हम पढ़ते हैं, मरुस्थल और निर्जल प्रदेश आनंद मनाए, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले, वह कुमुदनी की तरह खिल उठे, वह उल्लास और आनंद के गीत गाएं, उसे लेबनान का गौरव दिया जाएगा, दिया गया है, कार्मेल तथा शारोन की शोभा, लोग प्रभु की महिमा तथा हमारे ईश्वर के प्रताप के दर्शन करेंगे। बोलिए हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, थके मांदे हाथों को शक्ति दो, थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो, घबराए हुए लोगों से कहो धारस रखो डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, धारस रखो डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा हुआ, तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे, लंगड़ा हरण की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी, मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेंगी, रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएंगी, सूखी धरती झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। प्रभु के आने से हमारे जीवन में यही घटित होता है, प्रभु के आने से हमारे जीवन में यही घटित होता है। मैंने सैकड़ों लोगों के जीवन में यह देखा है, जो मरु प्रदेश जैसे लोग थे, जिनके हृदय में कोई खूबी नहीं थी, जिनके परिवारों में कोई खूबी नहीं थी, जिनके मन में कोई खूबी नहीं थी, प्रभु के उनके जीवन में आने से उनकी जिंदगी कैसे बदल जाती है, प्रभु के आने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है। ऐसे कई नशेड़ियों को मैंने देखा है जो जानवर सा जीवन जीते थे, लेकिन उनके जीवन में प्रभु के आने से सब कुछ बदल जाता है, उनका नजरिया बदल जाता है, उनकी जीवन शैली बदल जाती है। यीशु के हमारे जीवन आने से सब कुछ बदल जाता है। जकेउस के घर पे यीशु आए और जकेउस ने घोषित किया, आज इस घर में मुक्ति आई है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु कई घरों में जाया करते थे, अलग अलग घरों में, और जिन जिन घरों में यीशु गए वहां पर आशीष और मुक्ति लेके गए। जकेउस के घर पहुंच गए, प्रभु ने कहा आज इस घर में मुक्ति आई है। लाजरुस के घर पे गए और उसके कब्रे के पास गए, लाजरुस जो मरा हुआ था चौथे दिन जिंदा हो गया। जायरुस के घर पे गए और जायरुस की बेटी मरी पड़ी हुई थी, प्रभु के स्पर्श के द्वारा चंगी हो गई, जी गई। सिमियोन के घर पे गए, एक नारी जो पाप में जीवन जी रही थी उसको उद्धार मिल गया। काना नगर के विवाह भोज में गए, वहां पर जो कमी थी उसको पूरा किया गया। जिन जिन घरों में प्रभु गए उन घरों में प्रभु आशीर्वाद लेके गए। एक बहुत सुंदर हमारे लिए प्रतीक है, जिन घरों में यीशु गए वहां पर आशीर्वाद ले गए, कृपा ले गए, मुक्ति ले गए। हमारे जीवन में भी प्रभु के आने से मुक्ति का एहसास होगा, मुक्ति का अनुभव होगा। यही आगमन है, यही क्रिसमस है, यीशु का हमारे जीवन में जन्म लेना। जिस तरह 2000 वर्ष पहले बेतलहम के गौशाले में यीशु जन्म लिए, एक चरणी में वे लिटाए गए, उसी तरह हमें भी अपने हृदय को एक चरणी बनाना है। जब हमारा हृदय चरणी बन जाएगा तो हमारे जीवन में भी प्रभु आएंगे। यीशु का आने हमारे लिए सुखद है, यीशु के आने से हमारे जीवन में कल्याण होता है, परिस्थितियां बदल जाती है, जो बिगड़ी परिस्थितियां बदल जाती है, सुधर जाती है,
हमारा जीवन सुधर जाता है, हमारी गरीबी मिट जाती है। इसलिए यीशु के आने के लिए हमें तैयारी करनी है, यीशु के आने के लिए हमें अपने हृदय के द्वार को खोलना है, अपने परिवार के द्वार को खोलना है, विश्वास के जरिए, प्रार्थना के जरिए, पवित्र वचन पर भरोसा रखते हुए। आंखें बंद कीजिए, इस समय हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु हमारे जीवन में आना। हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, घर पे अलग अलग प्रकार की तंगी का एहसास होता है, परिश्रम करते हैं लेकिन पारिश्रमिक नहीं मिलता है, मेहनत करते हैं लेकिन पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बहुत पढ़ते हैं लेकिन मन में बैठता नहीं है, परिश्रम करते हैं लेकिन घर को चला नहीं पाते हैं, पैसा टिकता नहीं, रुकता नहीं है, परिवार में आशीष नहीं है, आपस में मतभेद है, मेल मिलाप की कमी है, शांति नहीं है, एक तरह का ऐश्वर्य नहीं है, आनंद नहीं है, सुख नहीं है, बराबर लोग दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। प्रभु यीशु तेरी आवश्यकता है। स्तोत्रकार कहता है, जिस तरह हिरणी जलधारा के लिए प्यासी है उसी तरह तरसती है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। जिस तरह हिरणी जलधारा के लिए तरसती है उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। सच्चा है यीशु, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, मुझे तेरी आवश्यकता है। वी वॉन्ट यू, मुझे तेरी जरूरत है। तूने यौवन के समाचार के अध्याय 4:10 में कहा, यदि तुम मुझे पहचानती है, जानती कि तुम किससे बात कर रही हो, यदि तुम जानती कि ईश्वर का वरदान क्या है तो तुम मुझसे मांगती। तू ईश्वर का वरदान है यीशु। आज हे पिता, तेरे पुत्र यीशु का हम स्वागत करते हैं अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में। आइए यीशु हमारे घरों में, आइए हमारे परिवारों में, आइए हमारी परिस्थितियों में, आइए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाने समय और ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए समूह उठाएंगे। Hallelujah,
और रविवार को आराधना के दौरान हम लोग चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। चंगाई देने वाले प्रभु यीशु हैं। यीशु के नाम पर आज इस वक्त भी हम प्रभु के नाम पर चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे पिता से। प्रभु यीशु ने कहा, मेरा नाम लेकर पिता से तुम जो कुछ मांगो तुम्हें वही प्रदान करेगा। प्रभु ने यह भी कहा कि मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगो तुम्हें वही दिया जाएगा। यीशु का नाम शक्तिशाली नाम है। यीशु का नाम मुक्तिदाता का नाम है। यीशु नाम का अर्थ ही ईश्वर बचाते बचाता है। और इसीलिए इस समय हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, यीशु के पवित्र नाम पर इस समय चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु के नाम पर शिष्य रोगियों को चंगा करते थे। शिष्यों ने आकर प्रभु से कहा कि प्रभु आपके नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन होते हैं, आपके नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन होते हैं, यीशु के नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन होते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें से जो रोगी हैं समय अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करें, अपने रोग को यीशु के हाथ में दीजिए, अपने पीड़ा को यीशु के हाथ में दीजिए। सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती के अध्याय 28 में, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। प्रभु यीशु को सब कुछ पर अधिकार है, हमारे रोगों पर अधिकार है, हमारे जीवन पर अधिकार है, सारे संसार पर अधिकार है, प्रकृति पर अधिकार है, जीव जंतुओं पर अधिकार है, अंधकार की शक्तियों पर अधिकार है। उस यीशु के हाथ में अपने जीवन को समर्पित कीजिए, अपने रोग को समर्पित कीजिए, अपने शरीर को समर्पित कीजिए। और इस समय हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु, तूने कहा है मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालो, रोगियों को चंगा करो। प्रभु तेरे आदेश का पालन करते हुए हम इस समय तेरे नाम पर ये कार्य कर रहे हैं, यीशु के परम पावन नाम पर। इसी वक्त इस आराधना में भाग ले रहे एक एक भाई बहन जो कैसे भी रोग से पीड़ित हो, चंगाई प्राप्त करें, चंगाई प्राप्त करें, चंगाई प्राप्त करें। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए, हालेलुया, यीशु के नाम पर, शक्तिशाली नाम पर, मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु के नाम पर, मृत्यु को हराने वाली यीशु के नाम पर, हर तरह के रोग से, रोग के कीटाणु से, रोग के कारणों से इसी वक्त इस आराधना में भाग ले रहे एक एक भाई बहन को चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, हीलिंग, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी तुरंत परम प्रसाद की आशीष है, उससे पहले फिर एक बार मैं सूचनाएं सुनाता हूं आश्रम के कार्यक्रम के बारे में। सबसे पहला मातृधाम रेडियो, उसका ऐप आपको मिलेगा प्ले स्टोर में। ज़रूर आश्रम के इस रेडियो को सुने, 24 घंटे कार्यक्रम होते हैं, ज़रूर सुनेंगे। दूसरा है, रविवार को ये सत्संग होता है, सुबह मिस्सा होता है, और हर शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, इसके अलावा प्रतिदिन सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे लाइव करुणामाला, शाम को 7 बजे लाइव कृपाधारा। इन सारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए, आशीष पाइए। हम परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। आशीष के दौरान जो लोग पानी और तेल लाए हैं आशीष के लिए, इस समय अपने हाथ में पकड़कर प्रार्थना करेंगे। प्रभु से कहेंगे कि प्रभु इसे शुद्ध और पवित्र कीजिए, इसके द्वारा हमें चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले।
बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हे प्रेमी यीशु, हे प्रेमी यीशु, इस जल को, इस जल को और इस तेल को, और इस तेल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जो भी इसे धारण करें, जो भी इसे धारण करें, ग्रहण करें, ग्रहण करें, उन सभी को, उन सभी बंधनों से आजादी मिले, बंधनों से आजादी, रोगों से छुटकारा मिले, रोगों से छुटकारा। हालेलुया 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 हालेलुया। Oh,